अक्सर कहा जाता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू बी एन एम्पैथ। एम्पैथ होना बुरी बात नहीं है, हमें हाई फंक्शनल एम्पैथ बनना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथ बनना है, हमें वीक एम्पैथ नहीं बनना है। हम अपने गिफ्ट्स से दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं अगर हम खुद प्रोटेक्टेड रहते हैं और हाई वे में फंक्शन कर रहे हैं। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि वीक एम्पैथ में और स्ट्रॉन्ग एम्पैथ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो जब भी कोई वीक एम्पैथ होता है, उनका एक टेंडेंसी होता है कि आसपास उनके जो लोग होते हैं, अगर वो पेन में होते हैं, वो किसी सैडनेस जैसे इमोशन से गुजर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो खुद अपने लाइफ में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सो वीक एम्पैथ अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने लाइफ में बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कि दिन में वो इतने सारे एनर्जी वैम्पायर्स अट्रैक्ट करते हैं कि वो ड्रेन्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली। अब एनर्जी वैम्पायर्स हम जानते हैं सिर्फ एनर्जीज को सक करते हैं, तो ये लोगों के फॉर्म में आ सकते हैं या कोई सिचुएशन के फॉर्म में ये चीज आपके साथ अट्रैक्ट हो सकती है। दूसरा है कि रिलेशनशिप्स एम्पैथ्स के लिए जो वीक एम्पैथ है बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं वो रिलेशनशिप्स में, या तो वो रिलेशनशिप्स के फियर्स में पड़े रहते हैं, या तो रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने की या भागने की कोशिश करते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स में वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो अक्सर लोग उनको बहुत इमोशनल बोल सकते हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव बोल सकते हैं, तो इस तरह के लेबल्स उनको दिए जाते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। दूसरा है कि ये सोशलाइजिंग अवॉइड करते हैं, ज्यादा क्राउड्स के बीच में जाना पसंद नहीं करते हैं। इनको टाइम टू टाइम अपना एक टाइम चाहिए होता है रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज करना मतलब अपनी एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि बाहर ही जाते हैं तो इनकी एनर्जी जैसे लॉस्ट हो जाती है, ड्रेन हो जाते हैं। तो एनर्जी को सेव करने के लिए जो वीक एम्पैथ्स होते हैं, अक्सर उनका टेंडेंसी होता है कि वो गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं और उनको टाइम चाहिए होता है, अलोन टाइम चाहिए होता है चार्ज करने के लिए अपनी एनर्जीज। दूसरा ये भी देखा गया है कि जो वीक एम्पैथ्स होते हैं, जिनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनको बॉडी में डिफरेंट पेन और एक्स भी हो सकते हैं, और फिर मेडिकली अगर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं, कुछ डायग्नोस नहीं कर पाते हैं मेडिकली, बट बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स, पेन, एक्स बार बार उनको होते रहते हैं, जैसे हेडेक होना, स्टमक पेन होना, ऐसे डिफरेंट इश्यूज उनको होते रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, इनमें से तीन चीजें भी आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि आप एक वीक एम्पैथ के जैसे फंक्शन कर रहे हो, और आपको इस वक्त अपना ऑरा को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अब जो स्ट्रांग एम्पैथ होते हैं, तो वो भी दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस सेंस करते हैं, बट वो उनको प्रोसेस करना जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से इन इमोशंस को, फीलिंग्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं और खुद को हम नहीं ड्रेन कर सकते हैं। वो अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग चीजें उनके लाइफ में आ जाए, वो अपने आप को ग्राउंडेड स्टेट में, बैलेंस स्टेट में रखते हैं। तो आप देख सकते हो जो स्ट्रांग एम्पैथ होते हैं, वो एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, अपना एनर्जाइज फील करते हैं, वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो बैलेंस्ड और एनर्जाइज रहते हैं। जो स्ट्रांग एम्पैथ होते हैं, वो भी अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए एक अलोन टाइम रखते हैं, अपने आप को अकेले रहना पसंद करते हैं, साथ ही कुछ सर्टन लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, कि कोई सर्टन लोग है जो उनके जैसे हाई वाइब्रेशन में है, उनके साथ ही वो इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। और अगर वो सोशलाइजिंग के लिए जाते भी है, तो ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होते हैं, एंग्शियस नहीं होते हैं, वो उन एनर्जीज को बैलेंस में रख पाते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं सोशलाइजिंग करना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, हम एक स्ट्रांग एम्पैथ बन पाते हैं, तो हम अपने ब्यूटीफुल गिफ्ट्स के साथ दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं और खुद भी बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रह सकते हैं।